स्टूडेंट्स, तो आज हम लेसन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 9 है कोसों के यांत्रिक गुण। अब कोसों के गुण कौन से गुण होते हैं वो हम यहाँ पढ़ते हैं। आपके कोसों के दो प्रकार के गुण होते हैं, पहला होता है प्लास्टिकता और दूसरा होता है प्रत्यास्थता। ठीक है, पहला कौन सा होता है इसका? प्लास्टिकता, और दूसरा होता है प्रत्यास्थता। प्लास्टिकता और ये होता है प्रत्यास्थता। ठीक है, प्लास्टिकता को हम क्या कह सकते हैं? प्लास्टिकता को हम अप्रत्यास्थता भी कहते हैं। प्लास्टिकता को हम अप्रत्यास्थता भी कहते हैं। अब यह समझने वाली बात यह है कि प्लास्टिकता होती क्या है। तो प्लास्टिकता या अप्रत्यास्थता किसी पदार्थ का वह गुण है कि यदि अपन किसी चीज पर बल लगा रहे हैं, अपन किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, तो बल लगाने के बाद उसमें कुछ विकृति आती है। बल लगाने के बाद उसमें कुछ विकृति आती है। यदि बल हटाने के बाद विकृति खत्म नहीं होती है, मतलब कि वह अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आता है, तब हम इसको प्लास्टिकता और प्रत्यास्थता कहते हैं। हम देखते हैं ना, प्लास्टिक की बोतलें होती हैं, उन्हें यदि मोड़ दिया जाए या कुछ उनमें ब्रेकेज ला दिए जाए, तो उसको हटाने के बाद भी, आपने उसको दबाया, उसको हटाने के बाद भी उसमें कुछ विकृति शेष रह जाती है। ठीक है, मतलब कि वो अपनी प्रारंभिक अवस्था से या एक्चुअल अवस्था से थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, तो उसको अपन प्लास्टिकता या प्रत्यास्थता कहते हैं। तो यह कभी ठीक नहीं होती है। इसके अंदर क्या लिख सकते हैं हम? इसमें वस्तु बल को हटाने पर भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आती है। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। प्लास्टिक ये इसका सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, अब यदि मैं प्रत्यास्थ की बात करूं, तो प्रत्यास्थ को हम बोलते हैं इलास्टिक। ठीक है, और प्लास्टिक को हम बोलते हैं इनइलास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक या प्रत्यास्थ क्या होती है कि यदि हम कोई रबर बैंड लें, उसको खींचें और उसको वापस बल को हटा दें, तो अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाती है, उसमें कोई विकृति शेष नहीं रहती। स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को खींचते हो, पुरानी अवस्था में आ जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? इसमें वस्तु से बल हटाने पर वह अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। जैसे धातुएं हैं, धातु में बहुत कम प्लास्टिकता होती है, उन्हें जब हटाते हैं अपनी पुरानी पोजीशन पे वो आ जाती है। तो इसको आप प्लीज नोट कर लीजिए, प्लास्टिकता या प्रत्यास्थता, इन सबको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो कुछ पार्ट है वो आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है कोविड सीजन के तहत, उस पार्ट को हटा दिया गया है, तो उसको हम नहीं पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आप एक टॉपिक पढ़ोगे प्रतिबल। एक नाम सुनोगे आप प्रतिबल। प्रतिबल क्या होता है? एक काम क्षेत्रफल में लगने वाले
पर नहीं लगने वाले जल को प्रतिबल कहते हैं। इसे P से दिखाया जाता है। P बराबर होता है F upon A। यदि मैं इस मात्रक की बात करूं तो मात्रक क्या हो जाएगा? फोर्स का होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यदि हम इसके विमा की बात करें तो विमा क्या हो जाएगी? फोर्स की क्या होती है? L1 T माइनस टू अपॉन क्षेत्रफल की L2 होती है। इसे सॉल्व करोगे तो M1 L माइनस वन टी माइनस टू। नोट कीजिए इसको। अब देखिए प्रतिबल के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रतिबल। प्रतिबल कितने प्रकार का होता है वो हम देखते हैं। अब प्रतिबल होता है तीन प्रकार का, अंधेरे, फिर आएगा आयतन प्रतिबल, फिर आएगा अपरूपण प्रतिबल। अनुधैर्य प्रतिबल, आयतन प्रतिबल और अपरूपण प्रतिबल। अनुधैर्य किसे कहते हैं? लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश जो प्रतिबल लगता है उसे अपन अनुधैर्य प्रतिबल कहते हैं। डेफिनेशन वगैरह बुक में बहुत अच्छे से दी हुई है, आप उनको नोट कीजिए और अच्छे से अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए, ठीक है। अनुधैर्य आयतन प्रतिबल, आयतन या संपूर्ण विमा के अनुदिश लगता है। अपरूपण प्रतिबल है किसी कोणीय प्रक्षेप के अनुदिश लगता है। नोट कर लीजिए बेटा इनको। देखो अनुदैर्ध्य प्रतिबल कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं, तनन प्रतिबल और दूसरा है संपीड़न प्रतिबल। पहला है तनन प्रतिबल और दूसरा है संपीड़न प्रतिबल। तो तनन प्रतिबल क्या होता है? तनन प्रतिबल वो होता है कि जब बल लगाने के बाद उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाए, बल लगाने के बाद उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाए और वो वहीं रह जाए तो हम बोलते हैं इसको तनन प्रतिबल। तो इसका मतलब क्या है? लंबाई में वृद्धि। उसी प्रकार संपीड़न का मतलब क्या होगा? लंबाई में कमी। यदि बल लगाने के बाद उसकी लंबाई में कमी हो जाए तो संपीड़न प्रतिबल होगा। नोट कीजिए।
ठीक है, अब यदि आयतन की बात करें तो आयतन में यदि कमी, आयतन में दो प्रकार से हो सकता है, तनन और संपीड़न। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि यदि संपूर्ण आयतन में कमी हो जाए तो संपीड़न, और यदि आयतन में वृद्धि हो जाए तो क्या हो जाएगा तनन। लेकिन अपरूपण का यहाँ कोई मतलब नहीं है, अपरूपण का मतलब है कि ये कोई रखी हुई वस्तु इसको अपन ऐसे हिला रहे हैं और ऐसे हिला रहे हैं, मतलब कोण ही चेंज हो रहा है इसके अंदर, सिर्फ कैसे आ रहा है कोणीय प्रकृति इसकी परिवर्तित हो रही है, तो इसको अपन बोलते हैं अपरूपण प्रतिबल। नोट कर लीजिए इसको बेटा, इसमें हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है विकृति। विकृति क्या होती है कि एकांक आयतन में है, एकांक परिवर्तन में बाह्य बलों के कारण उसकी एकांक द्रव्यमान में परिवर्तन के अनुपात होगा। देखिए इसकी डेफिनेशन, बाह्य बल के कारण, बाह्य बल के कारण किसी वस्तु की एकांक द्रव्यमान में परिवर्तन, एकांक विमा में परिवर्तन विकृति कहते हैं, विकृति कहलाती है। तो विकृति की तीन प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य, आयतन और अपरूपण। बना लीजिए ये भी कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की, अनुदैर्ध्य, आयतन, अपरूपण। अनुदैर्ध्य, आयतन और अपरूपण। तो देखिए अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति में क्या हो जाएगा, उसकी लंबाई में परिवर्तन इसमें हो रहा है और प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल के अनुपात को बोलते हैं। लिख लीजिए अनुदैर्ध्य विकृति के अंदर बाह्य बल के कारण किसी लंबाई की, किसी वस्तु की एकांक लंबाई में उत्पन्न परिवर्तन को, एकांक लंबाई में उत्पन्न परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। ठीक है, फिर आप फॉर्मूला बता दीजिए, अनुदैर्ध्य विकृति बराबर इसमें लगभग कैपिटल है आयतन विकृति। बाह्य बल के प्रभाव में किसी वस्तु के एकांक आयतन में, किसी वस्तु के एकांक आयतन में उत्पन्न परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। आयतन विकृति बराबर माइनस डेल वी अपॉन वी। फिर हेडिंग डाल दीजिए अपरूपण विकृति। यदि किसी वस्तु की सतह के समांतर बल लगाया जाए जिसके कारण वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो तो इसे अपरूपण विकृति कहते हैं। अपरूपण विकृति कहते हैं तथा इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है, तथा इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है। फाई बराबर डेल एक्स अपॉन एल।
वो क्या होता है? विकृति के समानुपाती होता है। क्या लिखोगे? वो के नियम के अनुसार प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। बस इतना ही होगा। ठीक है, प्रतिबल समानुपाती विकृति, तो प्रतिबल बराबर हो जाएगा ई इंटू विकृति, क्योंकि इसके साथ हटाने के लिए यहां पर हमने ई यूज में लिया है। ई बराबर क्या हो गया? प्रतिबल अपॉन विकृति।